हेलो जी वाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट्स। सो कैसे हो सारे, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे हमसे की तरह। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले 26 जनवरी स्पेशल फोटो एडिटिंग। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना एंड आपको वीडियो जरूर सबसे अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहले बनाए तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड अगर आप इंस्टा पर क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टा पर टैग करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चल फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है हमेशा की तरह, सो आपको अपने फोन के अंदर कर लेना पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन। ओके, सो यहाँ से पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लिया एंड जैसे भाई आपके फोन के अंदर पिक्सार्ट ऐप ओपन हो जाएगा उसके बाद आप सबको वहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना एंड यहाँ पे जो भी करेंगे इस फोटो के लिए बैकग्राउंड पेज वो सारे के लिए अगर आपको हम सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। सो आप सब वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, एंड इस वाले बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सभी को यहाँ से चले जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सबको यहाँ से इधर जाने का किधर वो मैं बता रहा हूँ। सो आप सबको यहाँ से एक फ्लैग पीएनजी है, सो ये फ्लैग पेंटिंग टाइप का पीएनजी है, सो इसे लेना है एंड इसे ऐड करने के बाद आप सभी करना क्या कि इसका स्टेप से आप सबको इसे जूम करना। ओके, एंड स्टेप से इसे बड़ा करते हुए आप सबको पूरे बैकग्राउंड के ऊपर सेट करना एंड उसके बाद आप सबको इसका ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई कर देना। ओके, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आप सबको सिंपल स्टेप से डन करना एंड उसके बाद आप सबको इरेज वाले ऑप्शन में जाना, इरेज में आना, हार्डनेस आप सभी को कम कर देना एंड साइज को सेट रखना अपने हिसाब से एंड उसके बाद स्टेप से इरेज करना। ओके, एंड इरेज करने के बाद आप सबको फिर इसका ओपेसिटी को कम कर रखना। ओके, इतना कुछ रखना ओपेसिटी इसका एंड उसके बाद सिंपल आप सबको यहाँ से कर देना फिर डन। सो इस स्टेप से ये वाले पीएनजी को सेट करने के बाद ये स्टेप कंप्लीट कर लेने के बाद फिर से आप सभी को यहाँ से चले जाना है एंड ऐड फोटो में। ओके, एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को यहाँ से जाना है रिसेंट एंड आप सभी को इस बार जो है ऐड करना एक रॉक पीएनजी है, सो ये रहा एंड इस चट्टान पीएनजी को ऐड करने के बाद इस रॉक पीएनजी को ऐड करने के बाद आप सभी को करना क्या इस टाइप से भाई यहाँ पे नीचे की तरफ सेट कर देना। ओके, परफेक्ट अच्छी तरीके जैसे इसे सेट कर लोगे बड़ा ही सिंपल है भाई सेट करना, उसके बाद सिंपल आप सब यहाँ पे डन कर देना। सो ये हो गया इस टाइप से, ये भी स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप सबको फिर से यहाँ से चले जाना भाई ऐड फोटो में। ओके, एंड ये चट्टान रॉक पीएनजी को सेट करने के बाद यहाँ से आप सभी को चले जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को फिर से यहाँ पे क्या लेना वो मैं बता देता हूँ। सो आप सभी को यहाँ से ऐड कर लेना है एक अपने फोटो को, जो फोटो को आप लोगों ने कट आउट करके रखा, सो ये रहा ये फोटो एंड अपने फोटो को लाने के बाद आप सभी को यहाँ पे ये फोटो जो आप सब देख रहे हो मैं पहले से कट आउट करके रखा हूँ। सो अगर आपको कट आउट करना नहीं आता तो प्राइवेट में वीडियो आ रही जाकर आप यू की वीडियो देख लेना, आप लोग कट आउट करना सीख जाओगे। ओके, सो अपने फोटो को परफेक्ट इस रॉक के ऊपर आप लोग इस स्टेप से परफेक्ट सेट करना उसके बाद डन कर देना। सो ये स्टेप से सेट करने के बाद आप सभी को करना क्या गाइस कि सिंपल आप सभी को यहाँ से जो है से कि मनो की मतलब की आ जाना आप सबको ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को यहाँ से अपने नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा को ऐड कर लेना। ओके, सो यहाँ से मैं अपने नेशनल फ्लैग को भाई ऐड कर लेता हूँ, हमारा इंडियन फ्लैग ये रहा एंड इसे लेने के बाद आप सबको यहाँ पे करना का स्टैप से हाथ के ऊपर मैं इसे पहले तो फ्लिप कर लेता हूँ, स्टैप का यहाँ पे रोल नहीं आ रहा सो ये फ्लिप कर लिया मैंने एंड स्टैप से हम यहाँ पे हाथ में देंगे अपने झंडे को फ्लैग को। ओके, एंड स्टैप से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे परफेक्ट सेट करने के बाद सिंपल गाइज हम लोग इधर इरेज वाले ऑप्शन इस पर आएंगे एंड यहाँ पर हम लोग इरेज पर आएंगे एंड इसका हार्डनेस को हम लोग अपने साइज से रख लेंगे। ओके, एंड स्टैप से इरेज करेंगे ताकि भाई रियल रिफ्लेक्ट आना चाहिए कि हाँ सच में हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने झंडे को पकड़ के रखें हाथ में। ओके, एंड इसके बाद परफेक्ट फ्लैग को सेट करने के बाद हम लोग यहाँ ऐड फोटो है हम लोग दिख रहा आप सबको इधर में ऐड फोटो पे क्लिक करना एंड ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ से ऐड कर लेना है कि ये जो है रॉक पीएनजी है भाई, ये भी पत्थर ही पीएनजी है, ओ सॉरी वही है। सो इस चट्टान पीएनजी को लाना इस टाइप से लेकिन ये थोड़ा ब्लर है एंड ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे रियलिस्टिक इफेक्ट देता है। सो इस टाइप से लाने के बाद इसे यहाँ पे इस टाइप से आप सब सेट कर दे उसके बाद आप सभी को सिंपल यहाँ से कर देना डन। ओके, सो इस टाइप का तो हो गया हमारा भाई, हम निकल लिया यहाँ पे कुछ स्टेप कंप्लीट, हमारा यहाँ पे फोटो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा। सो हम लोग फिर से यहाँ पे ऐड फोटो में आएंगे एंड ऐड फोटो में आने के बाद हम लोग को इस बार जो ऐड करना वो हैप्पी रिपब्लिक डे का टेक्स्ट पीएनजी है। सो हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं एंड आप सभी को भी एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे एंड इस टाइप से हैप्पी रिपब्लिक डे को ऊपर में इस टाइप से यहाँ पे सेट कर देना परफेक्ट एंड जैसे भाई आप इसे सेट कर लोगे उसके बाद आप सभी को सिंपल गाइस यहाँ से कर देना डन। ओके, सो यहाँ से डन कर लेता हूँ, टिप यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। सो ये तो हो गया एंड आप सब देख सकते हो ये काफ़ी सही है एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आप सबको, यहाँ पर हमारा एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका लेकिन आप सभी यहाँ पर एक बात बोलोगे क्या कि ये जो हमने अभी फ्लैग जो टी शर्ट में लगा के रखा भाई आप सब देख सकते हो ये मैंने कैसे लगाया भाई, ये तो वीडियो मैंने बताया भी नहीं। सो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, उस वीडियो में आप सबको समझाया हूँ कि आप सब अपने टी शर्ट के ऊपर फ्लैग कैसे बना सकते हो भाई। सो आप सब ऊपर आई बटन में जो वीडियो आ रही है आप सब ये वीडियो को देख लो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैं, जाके आप लोग देख लेना काफ़ी अच्छे से आप सब समझ जाओगे। ओके, सो अपने इस फोटो को यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद आप सब अपने इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना। ओके गाइस, एंड
जाकर आप सब वो वीडियो को जरूर से देख लेना, टी शर्ट के ऊपर आप लोग फ्लैग बनाना सीख जाओगे। ओके सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अगर आप इंस्टा क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टा पर जरूर से टैग करना, मैं आप सबके वहाँ पर पोस्ट को देखूंगा एंड लाइक भी करूंगा। सो मैं मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।